औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं अपने चैनल g.a लर्निंग एकेडमी में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो वर्ल्ड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जो कि PPSC के जितने भी पास मॉडल पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जिन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो है वर्ल्ड की फेमस न्यूज़ एजेंसी के MCQs हैं, जो डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और जिन मेरे दोस्तों ने किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अप्लाई किया हुआ है, लाइक PPSC, फेडरल PPSC, NTSC या CSS, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहायत ही हेल्पफुल साबित होगी। और दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग आपको इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरह के हम मज़ीद भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ये सीरीज़ की हमारी दूसरी वीडियो है और इसके बाद हम एक मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेनामा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी मलेशिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी मलेशिया। ये मलेशिया की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, AAP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ USA, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इटली। तो ये किसकी न्यूज़ एजेंसी है, ये नहायत अहम क्वेश्चन है। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया की। से ऑस्ट्रेलिया एसोसिएट प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है साइप्रस। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए ग्रीस। ये ग्रीस की न्यूज़ एजेंसी है जिसको इथन न्यूज़ एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है या मशहूर है, और ANA इसी चीज़ का ही शॉर्ट कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अनागोप इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ अंगोला की है, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए अंगोला की, और ये अंगोला प्रेस एजेंसी का मुखफ्फ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसा लाटीना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी मेक्सिको, ऑप्शन डी है USA। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए क्यूबा। ये क्यूबा की न्यूज़ एजेंसी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहायत अहम क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है, अनसा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, इटली, इंडिया और USA। तो ये किसकी है, तो ये इटली की न्यूज़ एजेंसी है जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंट्रा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ आंट्रा। दोस्तों जैसा कि नाम से आप लोगों को आइडिया हो रहा है, ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन ए हमारे पास डी USA, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया की न्यूज़ एजेंसी है आंट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए है, ये किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है, USA, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ये किसकी है, ये USA की न्यूज़ एजेंसी है जी। APP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है जिसको एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ATA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी अल्बानिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये अल्बानिया की न्यूज़ एजेंसी है जिसको अल्बानिया टेलीग्राफिक एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसको एजेंसी फ्रांस प्रेस से भी कहते हैं जी, या ऐसे कैसे एजेंसी फ्रांस प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुख्तार इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है, इसको दोस्तों अच्छे से देखिएगा, ये किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ये एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, ये सॉरी एजेंसी ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है।
बेल्जा इज़ द न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी, ये बेल्जियम की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, BNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये किसकी न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, बहरीन। BSS इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए बांग्लादेश, USA, ब्रिटेन और फ्रांस। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ये बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी है, जिसको बांग्लादेश सैंगबर्ड संगास्ता भी कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी है चेक रिपब्लिक। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ये ताइवान की न्यूज़ एजेंसी है CNA। ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है, थोड़ी डिफरेंट सी न्यूज़ एजेंसी, इसको अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNS इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, हांगकांग है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया और पाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हांगकांग, ये चाइना न्यूज़ सर्विस के नाम से भी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, CTK इज़ द न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन ए कैनेडा, ऑप्शन सी चेक रिपब्लिक, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये चेक रिपब्लिक की न्यूज़ एजेंसी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, DPA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ जर्मनी, पाकिस्तान, डेनमार्क और इंडिया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जर्मनी की न्यूज़ एजेंसी है DPA। दोस्तों ये भी ज़रा डिफरेंट न्यूज़ एजेंसी का नाम, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ENA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन USA, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी है नेपाल। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी इथियोपियन न्यूज़ एजेंसी के नाम से भी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिदाइस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी USA। तो राइट आंसर क्या है, वेटिकन सिटी की न्यूज़ एजेंसी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HHA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी टर्की, हुरियत न्यूज़ एजेंसी के नाम से भी मशहूर है ये। हिना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, क्रोशिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन और पुर्तगाल। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए क्रोशिया की न्यूज़ एजेंसी है हिना। दोस्तों ये भी ज़रा डिफरेंट नाम की न्यूज़ एजेंसी, इसको अच्छे देखिएगा, एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए ईरान है, ऑप्शन सी जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। राइट आंसर क्या है हमारा, तो ये ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है, इस्लामिक रिपब्लिक और न्यूज़ एजेंसी के नाम से भी मशहूर है। ITEM इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए इसराइल की न्यूज़ एजेंसी है जी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जाना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ये लीबिया की न्यूज़ एजेंसी है, जिसे जमहूरिया नेस एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, GG इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ कोरिया, जापान, स्पेन और चाइना। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी जापान की न्यूज़ एजेंसी है जी GG। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, KCNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, भूटान है और नेपाल। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी है, जिसको कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। KNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए कीनिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, QUNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी कुवैत न्यूज़ एजेंसी है। उसके बाद है, KYODO इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए जापान। लेटा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए लेटाविया है, ऑप्शन बी इजिप्ट है, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी सूडान है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ये लेटाविया की न्यूज़ एजेंसी है। MAP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मालवाई, ऑप्शन डी नाना फदीस। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए मोरक्को की न्यूज़ एजेंसी है जी। MENA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए इजिप्ट, ये मिस्र की न्यूज़ एजेंसी है, जिसे मिडल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी के नाम से
के तौर पे भी जाना जाता है। एम से मिडल है, ई से ईस्ट है, एन से न्यूज़ है और ए से एजेंसी, इसलिए मीना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इजिप्ट। ये भी अहम क्वेश्चन था। उसके बाद एम टी आई इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, दोस्तों ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसको अच्छे से देखिएगा और याद कीजिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, MTI इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAN इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी नेदरलैंड। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए नाइजीरिया। न्यूज़ एजेंसी ऑफ नाइजीरिया के नाम से भी ये मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, NNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन सी जो है नॉर्वे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीस। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए लेबनान। इसको नेशनल न्यूज़ एजेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, APS इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन USA, ऑप्शन बी है अल्जीरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इंडिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी अल्जीरिया की न्यूज़ एजेंसी, जिसको अल्जीरिया प्रेस सर्विस के नाम के तौर पे भी जाना जाता है। उसके बाद है जी, नॉटीमैक्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए कैनेडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है नैदरलैंड। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नोवोस्टी इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी है UAE। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी है। NPS एंड NTB इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी है रशिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए नॉर्वे की न्यूज़ एजेंसी है। ZPA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्रेस एसोसिएशन के नाम के तौर पर भी इसको जाना जाता है और ये NZPA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ON इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, किसकी है जी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ये ओमान की न्यूज़ एजेंसी है। PAN इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, पाना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी सेनेगल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी सेनेगल की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, PAP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, फिलिपाइन है, पोलैंड है, नॉर्वे है और चाइना है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ये पोलिश न्यूज़ एजेंसी है, जिसको ये पोलिश न्यूज़ एजेंसी के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पीट्रा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी है इंडिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी जॉर्डन, ये जॉर्डन की न्यूज़ एजेंसी है। PNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी फिलिपाइन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी है क्रोएशिया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी फिलिपाइन की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, PPI इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है पैलेस्टीन। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ये पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, जिसको पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल के तौर पे भी जाना जाता है या इस नाम से भी ये मशहूर है। PTI इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, दोस्तों ये न्यूज़ एजेंसी है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुखफ्फ है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ये इंडिया का प्रेस एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम के तौर पे भी जानी जाती है। QNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए कतर है, ऑप्शन बी क्वैत है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए कतर, ये कतरी न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रूटर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, दोस्तों ये नहायत अहम क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसको अच्छे से देखिएगा। ये कौन से मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है, तो ये जनाब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ये ब्रिटेन न्यूज़ एजेंसी है। रोम प्रेस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी जर्मनी। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी ये रोमानिया की न्यूज़ एजेंसी है। सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, दोस्तों ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। ये किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है, तो ये यमन की न्यूज़ एजेंसी है, ये अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वाइज सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। ये किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी, और अक्सर आप देखेंगे कि आप अगर पास मॉडल पेपर भी PPS के देखें तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। तो सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए है हमारे पास सीरिया, ऑप्शन बी है यमन, ऑप्शन सी है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ अदीस। जो किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है, तो ये सीरिया की न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है।
सीरिया अरब न्यूज़ एजेंसी के नाम से भी जानी जाती है। SPA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये साउथ अफ्रीका की न्यूज़ एजेंसी है। सेलिना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए नॉर्मी, ऑप्शन बी सियारा लियोन, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये सियारा लियोन न्यूज़ एजेंसी है जो कि सेलिना के नाम के तौर पे भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SPA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये सऊदी अरेबिया की न्यूज़ एजेंसी है जिसे सऊदी प्रेस एजेंसी के नाम के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद है जी तंजंग इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी बिलग्रेड, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है हंगरी। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ये हंगरी की न्यूज़ एजेंसी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TAP जिसे ट्यूनस अफ्रीकन प्रेस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो ये किस की है, तो ये ट्यूनस की है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो ये ट्यूनस अफ्रीकी अफ्रीक प्रेस के नाम के तौर पे भी जानी जाती है। उसके बाद इतारतास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, दोस्तों ये भी नहायत अहम क्वेश्चन है और अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसको अच्छे से देखिएगा और याद भी कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में इसको सही ऑप्शन को करेक्ट टिक कर सके। तो राइट आंसर क्या है, ये रशिया की न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। TT इज़ द न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन ए स्वीडन है, ऑप्शन बी इंडिया है, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ये स्वीडन की न्यूज़ एजेंसी है जी। UNI इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है और श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ये इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है जिसे यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI इज़ द न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ये USA की न्यूज़ एजेंसी है जिसको यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, VNA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए नॉर्वे है, ऑप्शन बी वियतनाम है, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी बुल्गारिया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAM इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए UAE है, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन डी फ्रांस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ अदीस। तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ये UAE की न्यूज़ एजेंसी है WAM। ज़िनहुआ इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर क्या है हमारा दोस्तों, ऑप्शन बी, ये चाइना की न्यूज़ एजेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, योनहैप इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी साउथ कोरिया। ज़ियाने इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, दोस्तों ये भी क्वेश्चन अहम है, ये अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो ज़ियाना कौन से मुल्क की है, तो ये जिम्बाब्वे की न्यूज़ एजेंसी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, जिसे जिम्बाब्वे इंटर अफ्रीकन न्यूज़ एजेंसी के तौर पर भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और दोस्तों इसके बाद भी हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके मतलब MCQ होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।